guys, this is another vlog. I am featured. This is a Sany SY210C-9 Crovel Tracked Excavator. So don't waste your time. Let's start this video. फ्रंट से बात करें इस एक्सकवेटर की, कुछ इस तरीके का इसका फ्रंट का लुक आपको देखने को मिलेगा, जैसा कि आप देख सकते हो। साइड फेस से बात करें इस एक्सकवेटर की, तो कुछ इस तरीके का इसका साइड का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। तो काफ़ी पावरफुल एक्सकवेटर है। ओवरऑल लेंथ की बात करूँ इस एक्सकवेटर की, तो इसमें आपको ओवरऑल लेंथ 9.65 मीटर की मिलती है। ओवरऑल विड्थ की बात करूँ इस एक्सकवेटर की, तो इसमें आपको 2.98 मीटर की इसमें ओवरऑल विड्थ मिलती है। ट्रांसपोर्टेशन हाइट की बात करूँ इसमें, तो आपको 3.44 मीटर की ट्रांसपोर्टेशन हाइट मिलती है। टोटल वेट की बात करूँ इस एक्सकावेटर की, तो इसमें आपको 20 टन 900 केजी का इसमें आपको टोटल वेट देखने को मिलता है। बात करें इसके इंजन की, तो इसमें आपको, तो दोस्तों अगर इसके इंजन की बात करें तो कुछ इस तरीके का इसका क्यूमिक्स का इंजन आपको देखने को मिलेगा। तो काफ़ी बड़ा इंजन है जो कि काफ़ी पावर जनरेट करता है। डिस्प्लेसमेंट की बात करें इस मशीन की, तो इसमें आपको 5.88 एल की इसमें आपको डिस्प्लेसमेंट मिलती है। तो दोस्तों हाइड्रोलिक पंप की बात करें इस मशीन की, तो काफ़ी अच्छा हाइड्रोलिक पंप इस मशीन में दिया गया है। सर कहाँ पर इसका हाइड्रोलिक पंप दिया गया है जरा बताएंगे दर्शकों को? जो आपकी लेफ्ट साइड है इधर आपका हाइड्रोलिक पंप दिया गया है इंजन के बिल्कुल बगल में, जैसा कि आप देख सकते हो वीडियो में। बात करें इसकी हाइड्रोलिक मोटर्स की, तो यहाँ पे आपको स्विंग की यहाँ पर मोटर देखने को मिलेगी जो कि बिल्कुल सेंटर में दी गई है, जिसमें डिफरेंट टाइप्स की आपको पाइप्स देखने को मिलेगी। कुछ इस तरीके का इसका कैबिन आपको देखने को मिलेगा जो कि साइड व्यू आप इस वक्त देख रहे हो, बाकी फ्रंट से आपने अभी देख लिया। दोस्तों कुछ इस तरीके के सैनी 210 के ट्रैक्स रहने वाले हैं, तो हमारे साथ यहाँ पे भाई यहाँ पे अवेलेबल है, तो भाई बताएंगे इनके बारे में। सर कितनी मोटर रहती है इसमें? दो मोटर रहती है, आगे वाली है। जी सर, जी सर, ट्रैक मोटर और यहाँ पर दो रोलर आपको देखने को मिलेगी, नीचे वालों का ट्रैक रोलर है, ऊपर का स्काई रोलर है। तो कुछ इस तरीके का यहाँ पे ट्रैक का आपको व्यू देखने को मिलेगा। सर यहाँ पे कुछ बता रहे हैं, यहाँ पर रिंग गियर होती है, जो यहाँ पर चेसी होती है। रिंग गियर किस काम के लिए आती है वैसे? अच्छा, रोटेट करने के लिए ये काम आती है। सर बताएंगे कहाँ पे है फ्यूल टैंक? तो फ्यूल टैंक की बात करूँ फ्रेंड्स, तो ये 340 लीटर का रहता है। यहाँ पर इसकी टंकी दी हुई है, तो भाई ने इसको खोल दिया है। यहाँ पर एक जाली लगी हुई है साथ में, तो काफ़ी अच्छा यहाँ पे हाइड्रोलिक, काफ़ी अच्छा यहाँ पे डीजल टैंक दिया गया है। और सर हाइड्रोलिक टैंक कहाँ रहता है? यहाँ पर इसका हाइड्रोलिक टैंक रहता है, जैसा कि आप देख सकते हो। मैक्सिमम डिगिंग फोर्स की बात करूँ बकेट की, तो इसमें आपको 138 किलो न्यूटन की मैक्सिमम डिगिंग फोर्स देखने को मिलेगी। और बात करें इसकी मैक्सिमम डिगिंग फोर्स ऑफ आर्म की, तो ये इसमें आपको 129 किलो न्यूटन की मैक्सिमम डिगिंग आर्म आपको देखने को मिलेगी। मैक्सिमम डिगिंग डेप्थ की बात करूँ, तो इसमें आपको 6.037 मीटर की मैक्सिमम डिगिंग डेप्थ देखने को मिलेगी, जो ये मशीन इतने 6 मीटर तक नीचे तक खोल सकती है। तो इसके ट्रैवल स्पीड की बात करें इस मशीन की, तो इसमें आपको 5.4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड देखने को मिलेगी। बात करें इसकी लोएस्ट स्पीड की, तो इसमें आपको 3.3 किलोमीटर पर आवर की लोएस्ट स्पीड देखने को मिलेगी। तो कुछ इस तरीके की हमारी शैनी मशीन है, आप देख सकते हो। बात करें इसके ट्रैक की लेंथ की, तो इसमें आपको 4.06 मीटर की ट्रैक लेंथ देखने को मिलेगी, जैसा कि आप देख सकते हो। तो कुछ इस तरीके की थी हमारी सैनी SY210C-9 क्रॉबल एक्सकवेटर, तो काफ़ी बड़ी मशीन है। तो दोस्तों कैबिन की बात में, कुछ इस तरीके का इसका कैबिन रहता है। तो यहाँ पे आपको एक सीट देखने को मिलेगी, पीछे भी एक हेल्पर के लिए सीट दी हुई है। पीछे आपको एसी के इवेंट देखने को मिलेंगे। तो सर इसको क्या बोलते हैं सबसे पहले ये बताएंगे? सर ये हमारे लीवर हैं, इनको लीवर कहते हैं, जिससे हम अपने एक्सकावेटर को ऑपरेट करते हैं। ये हमारे ट्रैक के कंट्रोल है, जो हम ट्रैक को आगे पीछे करते हैं, तो इसी की मदद से करते हैं। नीचे यहाँ पे आपको पैडल दिए गए हैं, और लीवर ही बोलते हैं इसको। यहाँ पर आपको ब्रेकर का कंट्रोलर देखने को मिलेगा, यहाँ पर
ऊपर कुछ एसी के वेंट देखने को मिलेंगे। यहाँ पर आपको एक काफी अच्छा स्क्रीन देखने को मिलेगा जो कि शो करता है फ्यूल लेवल, टेम्परेचर और आपका, और करता है सो हावर। तो काफी अच्छा अंदर का व्यू आपको देखने को मिलेगा, जैसा कि आप देख सकते हो काफी अच्छी मशीन, काफी मॉडिफाइड की गई है अंदर से ये मशीन, जैसा कि आप देख रहे हो। सर कुछ और बताना चाहेंगे केबिन के बारे में जो सिस्टम है और ये म्यूजिक सिस्टम है। यहाँ पर आपको एसी का सिस्टम देखने को मिलेगा, इस मशीन में आपको एसी भी अवेलेबल है और साथ में ब्लोअर भी अवेलेबल है। यहाँ पर म्यूजिक सिस्टम देखने को मिलेगा, पीछे आपको इसके स्पीकर देखने को मिलेंगे जो कि कंपनी फिटेड आए हुए हैं। यहाँ पर आपको साइड में एक फैन देखने को मिलेगा, तो काफी अच्छा केबिन है। यहाँ से सीट आगे पीछे होती है, यहाँ पर स्टार्ट का मैकेनिज्म रहता है, यहाँ पे अदर भी यहाँ पे बटन दिए गए हैं जैसा कि आप देख सकते हो, और यहाँ पे एक्सेलरेटर का बटन भी दिया गया है। तो काफी अच्छी मशीन है यहाँ, जैसा कि आप देख सकते हो ये पावर शो करती है और फ्यूल लेवल शो करती है। तो यहाँ पे आपको शाइनिंग की पैकिंग देखने को मिलेगी, तो काफी अच्छी मशीन है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी। प्राइस की बात करें इस मशीन की, तो इसका प्राइस आपको 69.5 लाख तक पड़ जाता है जो कि इसका ऑन रोड प्राइस है। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। तो मिलते हैं ऐसी एक अनदर वीडियो में, तब तक के लिए।